नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में एपीएस के बीएड के फर्स्ट ईयर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। कई लोग अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट अपने नाम से कैसे सर्च कर सकेंगे। और कुछ लोग अपना परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का पूरा तरीका बताऊंगा, पूर्णांक प्राप्तांक सब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। गूगल पर आकर हम सर्च करेंगे एपीएसयू रिजल्ट 2022। एपीएसयू रिजल्ट 2022 जैसे सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। हम पहले रिजल्ट पर क्लिक नहीं करके दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले पर, पहले पर नहीं, दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट पर इसका रिजल्ट आता है। तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर इसका रिजल्ट आता है तो दूसरे रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। और जैसे इसके नीचे जाएंगे रिजल्ट में, तो ये पीएसयू का रिजल्ट जितना भी रहेगा यहाँ पर शो कर देगा। देख सकते हैं हमारे सामने इस प्रकार से शो कर रहा है। यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर का यहाँ पर लिखा हुआ है जून 2022। तो यहाँ पर जैसे बीएड फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से डालने के लिए आ गया बीएड फर्स्ट ईयर का। तो अगर आपको नाम मालूम है और तो ठीक है, रोल नंबर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो नाम से भी कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम प्रवेश लिख देते हैं, प्रवेश लिख के और हम गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट आपके सामने इस प्रकार से आता है। रोल नंबर भी आ जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं नाम भी आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से अपना नाम चुन लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इस रिजल्ट नाम को चुन लेता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे देगा कि रिजल्ट जो है इस प्रकार से यहाँ पर है। यहाँ पर पूरा दिखाई दे देगा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का कि बी एड फर्स्ट ईयर एपीएस का, यहाँ पर रोल नंबर, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं 5 मेन सब्जेक्ट होती हैं, 5 मेन सब्जेक्ट का। यहाँ पर थ्योरी का नंबर दिया हुआ है 5 मेन सब्जेक्ट का। यहाँ पर सेशनल का नंबर दिया हुआ है 5 मेन सब्जेक्ट का, टोटल करके यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद 2 ऑप्शनल होती हैं, जैसे आर्ट्स से हैं तो हिंदी सोशल साइंस है, और बायो से रहते हैं तो साइंस लाइफ साइंस रहता है। इसके बाद 3 प्रैक्टिकल हैं, रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा, आर्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल हैं, ये 50-50 नंबर के होते हैं। तो चलिए कुल मिला के 608 नंबर इन्होंने पाया, यानी पास हैं, तो यानी देख सकते हैं। तो कुल मिला के 608 नंबर है। कैसे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम कैलकुलेटर में चलते हैं। कैलकुलेटर में चलते हैं, ये पाए हैं 608 नंबर, 608 नंबर पा चुके हैं, यानी कुल मिला के इसका पूर्णांक 750 होता है, 850 होता है। आपको बता दूं कैसे 850 होता है, यानी जितने भी यहाँ पर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 500 हो गया, और स्पेशल हिंदी और सोशल साइंस मिला के 2, 700 हो गया, और ये 50-50 नंबर के नीचे के 3 होते हैं, यानी कि 850 हो गया। यानी कि ऊपर के 700 के और नीचे के 3 50, यानी 850 हो गया। तो जैसे यहाँ पर 608 है, इसमें हम डिवाइड बाई 8.5 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज 71% आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कुल मिला के अगर दोनों साल का जाएगा तो उनका 1700 पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में रिजल्ट इनका 71% बन चुका है, 71%। इस प्रकार से रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। अगर कोई सप्लीमेंट्री है, किसी का कुछ दिक्कत है यहाँ पर, तो जल्दी से जल्दी अपना काम करवा लें, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, आपको कुछ कैलकुलेट करने में या कुछ दिक्कत है सेशनल इंटरनल में, कमेंट करके जरूर पूछें और आसानी के साथ पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।